Good morning, students. So today we are going to learn about the second type of primary memory, which is known as read only memory, the ROM. So here we have some characteristics or properties of ROM, read only memory. The first one is it is primary memory. जैसा कि हम लोग already discuss कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरह की primary memory होती है. उसमें पहली प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. दूसरी तरह की जो मेमोरी है जिसको हम लोग कहते हैं रॉम, रीड ऑनली मेमोरी, जिसके बारे में हम आज स्टडी कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास और एक तरह की और एक मेमोरी होगी जिसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएटरी मेमोरी या कैश मेमोरी. तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं तैयार करूंगा, क्योंकि कैश मेमोरी को उसमें आप लोगों को समझा सकूं. इसमें हम लोग रॉम के बारे में बात करें तो रॉम क्या है. सबसे पहले एक प्राइमरी मेमोरी है. प्राइमरी मेमोरी क्यों है ये हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के टाइम पर डिस्कशन करा था. इसके अलावे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये रीड ऑनली मेमोरी है. रीड ऑनली मेमोरी कहने का मतलब है कि एक बार इस पे प्रोग्राम राइट कर दिया गया तो ये केवल और केवल क्या हो सकता है, इस पे हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं. जो इस पे कंटेंट है उस कंटेंट को रीड किया जा सकता है, उसको राइट नहीं किया जा सकता है. मैंने ये भी बताया था कि राइट कर सकते हैं तो केवल और केवल जो पासवर्ड होता है बायोस का, उसको आप राइट कर सकते हो. और बहुत सिंपल और इजीली तरीके से यू कांट राइट द रॉम चिप. अगेन वी हैव द थर्ड पॉइंट विच इज नॉन वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल दैट मीन्स कि ये जो मेमोरी होता है इसमें जो भी चीजें हम स्टोर करके रखेंगे वो वोलाटाइल नहीं होगा, मतलब वो परमानेंट स्टोरेज होगा. यहाँ पे अगला पॉइंट जो हमारा कह रहा है परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि इसे कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है. यहाँ पे हमने एक बार कंटेंट को राइट कर दिया तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ड वायर्ड राइटिंग. उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड वायर्ड राइटिंग. एक बार हमने कंटेंट को स्टोर कर दिया तो वो कंटेंट उसमें स्टोर ही रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर. वहीं पे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी था उसमें अगर पावर सप्लाई आप बंद करते हो तो वो आपका डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, वोलाटाइल होगा, यानी वह खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई दैट इज वोलाटाइल इन नेचर एंड दिस इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर. सो वो परमानेंट नहीं होता था, लेकिन रीड ऑनली मेमोरी क्या है, परमानेंट स्टोरेज होगा. अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देखो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी मेमोरी होने के बावजूद इसकी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी मेमोरी वाली है. सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, स्टोरेज परमानेंट होता है और वो नॉन वोलाटाइल नेचर होता है. तो आप रॉम को देखो तो ये है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल भी है और यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज भी है. यानी ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है, सेकेंडरी स्टोरेज वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास रहती है, जो रैम से मैच नहीं खाती है, जो रैम से इसका बड़ा एक डिफरेंस होता है. इसके अलावा यहाँ जो अगला पॉइंट है हमारे पास है रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रैम भी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और इसे भी हम मैं कह रहा हूँ रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी को रखता है. तो रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी क्या है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से डेटा को रीड या राइट किया जाएगा, तो उसमें तीन मेथड्स होते हैं, रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस. तो यहाँ पे जो सबसे फास्ट तरीका होता है डेटा को एक्सेस करने का, वो तरीका होता है रैंडम एक्सेस. तो वही रैंडम एक्सेस जो रैम पे यूज किया जाता है, उसी रैंडम एक्सेस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, रॉम पे यूज करते हैं. तो स्टोरेज जो है वो नॉन वोलाटाइल है, परमानेंट है, वहां वोलाटाइल है और टेम्पररी है. लेकिन एक्सेस की जब बात करें तो रैम में भी रैंडम एक्सेस होता है, यहाँ पे भी रैंडम एक्सेस होता है. तो उसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया गया. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं रैंडम एक्सेस प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ वो कुछ अलग होगा, मतलब ये रैम हो गया, नहीं. वो एक्सेसिंग मेथोडोलॉजी, कैसे डेटा को जहाँ पे रखा गया वहां से पिक करना है और कैसे डेटा को उस जगह तक पहुंचाना है, दैट इज द मेथड. जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लाइट का भी इस्तेमाल करते हो. तो कौन सा मोड आपने यूज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा या कम होगी. तो समझ लो रैंडम एक्सेस हम फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो ये काफी ज्यादा फास्ट है. सो यही मेथोडोलॉजी रॉम पे भी यूज की जाती है, रैम पे भी यूज की जाती है और भी जितनी सेमीकंडक्टर मेमोरीज होंगे वहां पे इस मेथड को यूज करेंगे. तो वो अगले वीडियो में हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे. इसके अलावा ये क्या स्टोर करता है, तो जैसा कि रैम हमारा आपने डिस्कस किया था कि रैम क्या कर रहा है, यूजर्स प्रोग्राम को रख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके रख रहा है. तो ये क्या रखता है, तो ये रखता है माइक्रो प्रोग्राम्स, जैसे कि कंपाइलर्स होगा, असेंबलर होगा, डिबगर होगा, बायोस प्रोग्राम होगा. ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में आपसे.
तो ये माइक्रो प्रोग्राम्स स्टोर करता है, और ये माइक्रो प्रोग्राम्स क्या करते हैं, सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं, हार्डवेयर को डिबग करने में मदद करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द प्रोग्राम विच वी स्टोर इन रीड ऑनली मेमोरी। अगेन ये चूंकि पहली बार जब ये एक ब्लैंक मेमोरी जब बनी होगी तो वो एक ब्लैंक मेमोरी होगी, तो वो ब्लैंक मेमोरी तो जब ये मेमोरी पहली बार बनी होगी तो ये मेमोरी क्या होगी, ब्लैंक मेमोरी रही होगी। तो उसे उसमें क्या कंटेंट डालना है, क्या कंटेंट डाला जाएगा, ये डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर जिसने रॉम को बनाया है, और वही उसमें फर्स्ट टाइम क्या करता है, डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करता है, और वही प्रोग्राम बाद में सारे मदरबोर्ड्स पे आते हैं उस रॉम चिप के, उस वो रॉम चिप को किसी मदरबोर्ड पे लगाया जाता है और फिर हमारा सिस्टम उस तरीके से काम करता है। तो क्या उस पे राइट किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा किससे, मैन्युफैक्चरर द्वारा। और अब जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि ये सिंपल होता है, इसका आर्किटेक्चर सिंपल होता है, लेकिन ये इसका जो अंदर में सर्किटरी होती है वो डेंस सर्किटरी होती है, और ये करस्पॉन्डिंगली अगर देखा जाए तो चीप होता है, सस्ता होता है। लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा स्टोरेज कैपेसिटी होगा इन केबीज और सम एमबीज, सम एमबीज, इससे ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट रॉम। अब रॉम के कितने टाइप हैं, सो वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ रॉम। उसमें जो सबसे पहला रॉम हमारे पास है, वी हैव रॉम, और इसकी जब कैटेगरी करते हैं तो एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पी रॉम, दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है ईपी रॉम, तीसरी कैटेगरी होती है ई स्क्वायर पी रॉम। ठीक है, अब ये रॉम पी रॉम क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो पहला होता है उसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा जो रॉम हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड द लास्ट वन वी हैव, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग ई स्क्वायर पी रॉम कहेंगे या ई पी रॉम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है ई ए पी रॉम, इस तरीके से और भी पढ़ोगे चीज़ें तो आपको मिलेगी। तो लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ तीन कैटेगरी की बात करते हैं, पी रॉम, ई पी रॉम और ई स्क्वायर पी रॉम। पी रॉम क्या होता है कि ये एक वैसा रॉम जिसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम करने का मतलब कि एक बार उसको राइट किया गया, तो वैसा अगर रॉम चिप हमारे पास है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा होता है, लेकिन इस रॉम को दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता, एक बार आपने इसमें डेटा डाल दिया तो डाल दिया, उसके बाद दोबारा इरेज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि हम उस रॉम चिप को इरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक दूसरा रॉम लॉन्च किया गया या दूसरा टेक्निक यूज किया गया रॉम को मैन्युफैक्चर करने का, और उस रॉम का नाम दिया गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यानी यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया गया है उसको इरेज किया जा सकता है, लेकिन बहुत आसान तरीका नहीं होता इरेज करने का। इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से लाइट का, अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये रॉम चिप कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे एक होल बना हुआ होता है, यहाँ से लाइट पास कराई जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज, और ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा उसको वो डिलीट करता है। और ऐसा नहीं कि अल्ट्रा वायलेट रेज बस जला दिया और ऑफ कर दिया तो ये इरेज कर देगा, नहीं, कुछ सेकंड तक, 10 सेकंड तक वेट करना होता है, तब वो जाके एक एक बिट करके डेटा को क्या करता है, इरेज करता है। तो ये बहुत आसान तरीका नहीं था
इस रॉम में डेटा को इरेज करना, और जब डेटा एक बार इरेज कर दिया गया वो ब्लैंक हो गया तो फिर से उस पर डेटा को राइट किया जा सकता है। तो ये तरीका था दोबारा राइट करने का, लेकिन ये आसान तरीका नहीं था। ये रॉम क्या था, इसको एक बार प्रोग्राम कर दिया गया, दोबारा प्रोग्राम राइट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको इरेज नहीं किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक नए तरह का रॉम आया जिसको हमने कहा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम रॉम में डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको अब अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से इरेज नहीं कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं। मतलब कुछ करंट उसमें पास कराएंगे तो वो डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और फिर से हम उसमें नया डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजियर मेथड हो गया। अभी भी आप देखते होंगे कुछ पार्टीज, शादी ब्याह फंक्शंस में, तो आप देखना कि वो नाम पे लाइट पे कुछ लिखता रहता है और वो करस्पॉन्डिंगली इस तरीके से चलता रहता है। तो वहाँ पे भी इसी तरह का कोई एक चिप लगा हुआ होता है जिसमें कीबोर्ड से राइट किया जाता है, तो वहाँ पे भी इसी तरीके का रॉम चिप इस्तेमाल किया जाता है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रॉम चिप के साथ कि इस रॉम को, रॉम इज व्हाट, रॉम इज हार्डवेयर, और इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोग्राम, जिसको हम लोग एक बायोस प्रोग्राम कहते हैं, और इन सबको मिला के हम कहते हैं फर्मवेयर। तो ये एक तीसरा, जैसे आपने पढ़ा कंप्यूटर में, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर का एक फर्मवेयर भी है। तो फर्मवेयर क्या होता है, दिस रॉम एंड बायोस कलेक्टिवली, रॉम इज व्हाट, द स्टोरेज, द यूटेंसिल, ये एक बर्तन है उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो डाल दिया, तो दोनों को मिला के हमने क्या कहा, फर्मवेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट रीड ऑनली मेमोरी। सो रीड ऑनली मेमोरी इज ऑफ थ्री टाइप्स, पी रॉम, ई पी रॉम एंड ई स्क्वायर पी रॉम। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।